और झारखंड में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह राजधानी रांची में आयोजित हुआ। राजधानी के मोराबादी मैदान में राज्यपाल रमेश व्यस्त ने राष्ट्रध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर राज्यवासियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश व्यस्त ने कहा कि पिछले 2 साल के कार्यकाल में राज्य सरकार ने जन कल्याण के अनेक कार्यों को संपन्न किया है। सभी क्षेत्रों और वर्ग, विशेषकर गरीब, कमजोरों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही राज्य सरकार द्वारा जन कल्याण और विकास के कार्य को किए जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर रांची के मोराबादी मैदान में निकाली गई झांकी में सबसे पहले टाना भक्तों की टोली नजर आई। पारंपरिक वेशभूषा में टाना भक्तों का कारवां राज्यपाल के पास से गुजरा। मोराबादी मैदान में मौजूद आम लोगों ने भी टाना भगत की टोली का जोरदार स्वागत किया। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी शहनवाज ने। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रांची में जो झांकी निकाली गई है उसमें टाना भक्तों की भी टोली है। तस्वीरों के माध्यम से देखिए, ये टाना भगत है जो झारखंड के विभिन्न जिलों से मोराबादी मैदान में पहुंचे हैं और अपनी पारंपरिक वेशभूषा तिरंगे के साथ ये लोग मौजूद हैं और ये खास तौर पर झारखंड की पहचान है और इनकी जो रीति रिवाज हैं वो ये कहीं कहीं बताते हैं। ये पूरी सादगी के साथ, पूरे आत्मीयता के साथ ये जीवन बसर करते हैं। इनकी संख्या झारखंड में बहुत ज़्यादा नहीं है और देखिए तस्वीरों के माध्यम दिखाएंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ टाना भक्तों की टोली कूच करती हुई जा रही है और ख़ास तौर पर ये प्रत्येक दिन तिरंगे को सलामी देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तमाम टाना भक्तों के घरों में आप महात्मा गांधी की तस्वीर हो या फिर तिरंगे की पूजा करते हुए दिखेंगे। ये सामने तो देखेंगे बीगू टाना भगत है, ये इनसे कई बार हमारी मुलाकात भी हुई है, राजधानी रांची में भी रहते हैं और ये देखिए किस तरह से पारंपरिक वेशभूषा के साथ ये जा रहे हैं। राजभर के टाना भक्तों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। राज्यपाल की तस्वीर भी है जो इनको सम्मानित किया गया है, उस तस्वीर के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर है। तो ये बताने की कोशिश है कि झारखंड की पहचान, झारखंड की शिनाख्त इन्हीं चीज़ों से है। भले ही झारखंड कितनी भी तरक्की कर जाए, कितना भी विकास कर जाए, लेकिन इन बुनियादी चीज़ों से झारखंड खुद को अलग नहीं कर पाएगा। यही वजह है जब भी वर्तमान सरकार है ये बताने की कोशिश करती है कि झारखंड की जो पहचान है जल, जंगल, ज़मीन, उसे बाकी रखा जाएगा और विकास के पैमाने को भी आगे बढ़ाया जाएगा। यही वजह है कि जब झांकियाँ निकाली गई सबसे पहली टोली, सबसे पहली जो झांकी थी वो इन टाना भक्तों की थी। इससे साफ मैसेज देने की कोशिश है झारखंड अपनी पहचान के साथ, अपनी शिनाख्त के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ 22 के लिए शहनवाज।